दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत चूना भट्टी लक्ष्मी सागर में हुआ खूनी झड़प के बीच डायगढ़ वासी एक युवक की हालत काफी गंभीर। पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। जी हां, दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर में शनिवार की रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद में खूनी झड़प का रूप ले लिया। इस दौरान हुआ डायगढ़ वासी में एक युवक जख्मी हो गया। वहीं जख्मी युवक को गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में उसका इलाज चल रहा है। वहीं ठीक इधर अस्पताल में इलाज रात युवक गोलू कुमार के पिता ज्वाला प्रसाद ने बताया कि अनावश्यक वर्चस्व दिखाने को लेकर मोहल्ले के अंशु कुमार एवं उसके पिता राजेश कुमार साहनी इस घटना को अंजाम दिया है। वही उनके पुत्र गोलू को डायगर मारकर यह लोग जख्मी कर दिया है। इधर मामले के संबंध में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय थाना ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी राजेश कुमार एवं उसके पुत्र अंशु कुमार को तत्काल हिरासत में लिया गया है, जिसे आज रविवार की दोपहर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दुकान है वहाँ पर जो दो लड़के उसको मेरे साथ दुकान पर आया, मारपीट किया और मुझे फंसा दिया। मारपीट के दौरान उसको किल से पीछे में चोट लगा और फंसा दिया कि हमको चाकू मारे। क्यों मारपीट किया, कारण क्या था? वो हमारे दुकान पर ही लूटपाट करने के लिए आया। कौन लड़के लोग थे? ज्वाला खट्टी का उसका बेटा गोलू खट्टी। अच्छा। कहाँ का रहने वाला? चुनावटी का ही रहने वाला है। आपका भी दुकान चुनेवट्टी में? क्या चीज का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। मेरे साथ भी मारपीट किया, हमारे यहाँ लेडीज को भी मारपीट किया। अच्छा। कपड़ा भी फाड़ दिया है और उल्टा पुलिस हमी को पकड़ लिए। लड़का मारपीट क्यों किया? वो धमकी देता था कि मारेंगे पीटेंगे। मोबाइल पर धमकी दिया, उसका मैसेज भी है मेरे पास में। वो मैसेज देने के 10 मिनट के बाद आकर के मारपीट किया हमारे पास। कौन कौन मारपीट किया? उसका गोलू कुमार, उसका बाप ज्वाला ज्वाला प्रसाद। डायगरबाजी नहीं हुआ, वैसे दोनों में जो है ना मारपीट हुआ बच्चे में, और दरवाजे के पीछे में किल लगा तो वही किल से फट गया। अच्छा, तो आपका कौन सी का दुकान है? कपड़े का दुकान। किस जगह पर है? चूनावट्टी में। दुकान का क्या नाम है? आरके फैशन। अब अपना राजेश कुमार। घर कहाँ है? चूनावट्टी। पहले भी कोई दुश्मनी था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, दोनों बच्चे में ही कुछ कहा सुनी हुआ। और हम थे भी नहीं, हम उस पर मेरा मकान बन रहा है वहाँ पर थे। आए तो उसके पिताजी से हम बात करने लगे, उसी में उसका बेटा जी हमको भी ईंट से लाके मार बैठा। यानी बच्चे के मारपीट में हम उसमें सर कहीं थे ही नहीं, जैसे मारपीट करने में इस दौरान में हुआ दोनों में, और मेरा सिर फोड़ दिया। ये कौन है आपका लड़का? है लड़का है। क्या नाम है लड़का का? अंशु कुमार। वो लड़के के मारपीट में क्या नाम है, कितना उम्र होगा उसका? 17-18 साल है। 17 या 18? 18 साल। 18 साल कम्प्लीट है कि नहीं पूरा है?